पंचायतों का कार्यभार सक्षम हो, पंचायतों में भ्रष्टाचार ना हो, सुशासन हो, इसके लिए ई जीएम पोर्टल के माध्यम से हमारी पंचायतें अपने जो भी कामकाज है, खरीदी है, वो सारा उस माध्यम से करने का प्रावधान इस पोर्टल में है। इसी 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इनके कर्मियों द्वारा जेल ई ग्राम स्वराज इंटरफेस का भी शुभारंभ होने वाला है। विगत 9 वर्षों में पंचायतों को सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में शासन की एक सशक्त इकाई के साथ सेवा प्रदाता के रूप में सामने आ रही है। प्रतिवर्ष पंचायत राज दिवस के अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस साल भी 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। खुशी की बात यह है कि इस पुरस्कार के लिए देश में से लगभग 2,65,000 पंचायतों में से लगभग 2,47,000 पंचायतों ने इसमें हिस्सा लेकर अपना योगदान दिया है। एकूण पंचायत को अगर जोड़ा जाए तो 92% पंचायतों ने इसमें अपना सहयोग दिया है। ये अपने आप में एक खुशी की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। मैं सारे हमारे पंचायतों के साथियों को आह्वान करूंगा कि भारत में ये सतत विकास लक्ष्य जो है 2030 का इंतजार ना करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए हम जल्द से जल्द ये सारे सतत विकास लक्ष्य है इसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करें।